कर्नाटक में कांग्रेस को मिली जीत पर कांग्रेसी फूले नहीं समा रहे हैं। कांग्रेस नेता उपेंद्र सिंह ने राहुल गांधी की तारीफ करते हुए कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा रंग लाई। कांग्रेस नेता उपेंद्र सिंह का कहना है कि अब कांग्रेस अन्य राज्यों में होने वाले चुनावों में भी जीत दर्ज कराने जा रही है। कांग्रेस नेता उपेंद्र सिंह इस समय कर्नाटक में मिली कांग्रेस की जीत के बाद एमपी, राजस्थान, गुजरात में होने वाले चुनाव में भी जीत के लिए दावा कर रहे हैं। उनका कहना है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो पैदल यात्रा का कांग्रेस को लाभ मिला है। राहुल गांधी ने कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पैदल यात्रा की है। राहुल गांधी जी ने जिस प्रकार से भारत जोड़ो यात्रा की थी और कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक जनता के बीच में गए, उसका परिणाम आप देखिए कि दिखाई पड़ने लगा है। कर्नाटक चुनाव से लेकर के आने वाले समय में जो भी चुनाव होंगे निश्चित तौर पर दिखाई पड़ेंगे। और कर्नाटक की जनता ने पूरे देश को मैसेज दे दिया है कि वास्तव में कांग्रेस पार्टी उनकी हितैषी है। और हम लोग अपने बच्चों को भी, आप देखिए कि ज़्यादातर जो वहाँ पे बुद्धिजीवी लोग रहते हैं कर्नाटक में हम लोग अपने बच्चों को क्यों ज़्यादातर मेडिकल इंजीनियरिंग करने भेजते हैं, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा संस्थाएं हैं इस प्रकार की और वहाँ का पढ़ा लिखा वर्ग है। तो उन्होंने समझा कि अब हमें जो है छला नहीं जाना चाहिए और इस प्रकार के लोगों से बचा जाना चाहिए जिन्होंने कोरे सपने दिखाए। और बजरंगबली जी या अन्य किसी भी जो है धार्मिक आधार पे जनता को विभाजित नहीं कर सकते। हमको बेसिकली रोटी, कपड़ा और मकान चाहिए, रोजगार चाहिए। ताजनगरी में कांग्रेस को संजीवनी देने वाले कांग्रेस के कद्दावर नेता उपेंद्र सिंह का कहना है कि जनता को रोजगार, मकान, बिजली, पानी, भोजन चाहिए। कांग्रेस नेता का कहना है कि हिमाचल और कर्नाटक में सरकार बनी जनता की समस्याएं उठाई जा रही हैं। 2024 में कांग्रेस के नेतृत्व में सरकार बनेगी। युवाओं को रोजगार चाहिए, सुरक्षा चाहिए, इन बातों से कुछ नहीं होगा। तो इस चीज को देख कर के जनता ने पूरा मन बना लिया था और जिसका परिणाम कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस की जीत है। और देश के प्रधानमंत्री मोदी जी से लेकर के भाजपा का शीर्ष नेतृत्व बहुत जूझता हुआ, बहुत ज़बरदस्त तरीके से अनर्गल प्रचार करते हुए वहाँ पे रहा, लेकिन जनता ने एक बहुत बड़ा सकारात्मक संदेश दे दिया कि कांग्रेस पार्टी ही एक ऐसा पार्टी है जिस जो कि देश का विकास कर सकती है, कर्नाटक का विकास कर सकती है। इन्हीं चीज़ों को लेकर के आने वाले परिणाम जो अभी आएंगे, आने वाले समय में जो चुनाव होने जा रहे हैं, चाहे मध्य प्रदेश हो, राजस्थान और छत्तीसगढ़ हो, इन प्रदेशों में भी आप देखिएगा कांग्रेस की सरकार जल्दी ही जो है जहाँ जहाँ पे है वहाँ वहाँ पे रिपीट होगी और जहाँ पे नहीं है वहाँ पे बनेगी। अगले साल ही कई राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में कर्नाटक में कांग्रेस को मिली जीत के बाद कांग्रेसियों को संजीवनी देने का काम किया है। इस जीत के बाद कांग्रेसी काफी उत्साहित हैं। राजनगरी में कांग्रेस की नाव को कांग्रेस नेता उपेंद्र सिंह ही करवट बनकर खेल रहे हैं। आगरा के गिने चुने कांग्रेसी नेता हैं जो यदा कदा दिखते हैं, लेकिन कर्नाटक की जीत के बाद कांग्रेसियों में उत्साह का संचार देखा जा रहा है। सी न्यूज के लिए विनोद जूनियर की रिपोर्ट।